गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास फिफ्थ का ई वी एस का लेसन वट इफ़ इट फिनिश का रिविजन पोर्शन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ व्हीकल्स दैट यू कैन सी कहते हैं कौन कौन सी तरह तरह की गाड़ियाँ हैं जो आप देखते हो आंसर आई कैन सी व्हीकल्स लाइक साइकिल कार्स बसेस मोटरसाइकिल स्कूटर ऑटो रिक्शा एक्स्ट्रा इसमें आ, आप और भी ऐड कर सकते हो ठीक है ना क्या क्या देखते हो आप साइकिल देखते हैं हम कार्स देखते हैं बसेस देखते हैं मोटरसाइकिल देखते हैं स्कूटर ऑटो रिक्शा और भी कुछ मेटाडोरस मतलब जो आपको आता है आप इसमें और भी ऐड कर सकते हो एक्स्ट्रा मेरे हिसाब में खबर क्वेश्चन नंबर सेकेंड वट डू यू थिंक दे नीड पेट्रोल एंड डीजल एज फ्यूल कहते हैं आपको क्या लगता है उनको क्या पेट्रोल और डीजल एज ए फ्यूल क्यों चाहिए साइकिल डज़ नॉट नीड एनी फ्यूल आपको पता है जो साइकिल है उसको उसमें कोई भी फ्यूल नहीं पड़ता ना उसमें पेट्रोल पड़ता है ना डीज़ल पड़ता है वो ऐसे ही चलता है ठीक है ना बट अदर व्हीकल्स शोन हेयर नीड पेट्रोल और डीजल एज ए फ्यूल मगर इसके अलावा जो आपको व्हीकल्स बताएं जैसे मोटरसाइकिल हो गया स्कूटर हो गया कार होगी बसेज हो गए मतलब ऐसे इन सब चीज़ों को क्या चाहिए डीजल या पेट्रोल एज ए फ्यूल जिसपे ये चलती हैं गाड़ियाँ अच्छा क्वेश्चन नंबर थर्ड विच ऑफ़ द व्हीकल्स डू यू गिव ऑफ स्मोक पुट रेड मार्क ऑन दोस्त ठीक है ना आपने बताना कौन कौन से ऐसे गाड़ियाँ जो धुआँ छोड़ती हैं ठीक है ना तो आपने उनको रेड मार्क लगाना है द वहीकल्स हच एस कार्स बस मोटरसाइकिल एंड ऑटो रिक्शा द गिव ऑफ स्मोक ठीक है ना इनसे धुआं निकलता है वॉट विच आर द व्हीकल्स रन विदाउट पेट्रोल एंड डीजल वो कौन सी गाड़ियाँ हैं जो पेट्रोल और डीजल के बगैर चलती हैं आंसर इज लाइक दिस आंसर क्या है साइकिल कैन रन विदाउट पेट्रोल एंड डीजल जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा जो साइकिल है वह हम चला सकते हैं विदाउट पेट्रोल एंड डीजल क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वट प्रॉब्लम डू वी डू वी फेस फ्राम द स्पीडिंग व्हीकल्स इससे क्या होता है स्पीडिंग व्हीकल्स से क्या प्रॉब्लम हो सकती है जब कोई गाड़ी स्पीड में चलती है उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है इट मे काज एक्सीडेंट ठीक है ना इससे क्या होता है एक्सीडेंट हो जाता है जब इसलिए बोलते हैं ना गाड़ी को ज़्यादा स्पीड में नहीं चलाना चाहिए ठीक है ना स्पीड किल्स तो क्या होगा इसका आंसर इट मे काज एक्सीडेंट्स तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा आज हमने पढ़ा क्लास फिफ्थ का ई का लेसन वॉट इफ़ इट फिनिश का रिविजन पोर्शन तो जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको समझाए या बताए हुए हैं यहाँ पे अब सब क्या करोगे लर्न करोगे और रिवाइज करोगे ओके